हेलो क्लास, वेलकम बैक वंस अगेन। आज की हमारी नेम रिएक्शन है बच्चा ओजोनोलिसिस। ओजोनोलिसिस हमें एल्कीन में पढ़ना है और एल्काइन में पढ़ना है, जिसमें आपको ऑक्सीडेटिव और रिडक्टिव ओजोनोलिसिस के बारे में पढ़ना है। तो जल्दी से हेडिंग डालो ओजोनोलिसिस। ओजोनोलिसिस में ओजोन की प्रेजेंस में लिसिस मतलब बॉन्ड का ब्रेक होना। तो सबसे पहले एल्कीन से शुरू करते हैं। ओजोनोलिसिस मतलब बच्चा एडिशन होता है ओजोन का। इसमें क्या होता है? एडिशन होता है ओजोन का। मैंने अभी आपको बताया कि आपको ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस पढ़ना है और रिडक्टिव ओजोनोलिसिस पढ़ना है। क्या पढ़ना है? ऑक्सीडेटिव और रिडक्टिव ओजोनोलिसिस। किस किस में पढ़ना है? एल्कीन में पढ़ना है और बच्चा एल्काइन में पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले शुरू करते हैं एल्कीन के साथ। तैयार है सिपाही? बिल्कुल। तो चलो एल्कीन का स्ट्रक्चर बनाते हैं। दिस इज योर एल्कीन, आर सी डबल बॉन्ड सी आर डैश, राइट। तो जब आप इसकी रिएक्शन कराओगे, किसके साथ कराओगे? आप इसकी रिएक्शन कराओगे ओजोन के साथ। ओजोन को क्या लिखते हैं बच्चा? ओजोन को लिखते हैं O3। NCH2Cl2 को बोलते हैं बच्चा DCM, डाइक्लोरोमीथेन, -78 डिग्री सेंटीग्रेड पे। तब क्या होता है? रिएक्शन को ना देखो, घबराना नहीं है इस रिएक्शन से। इस रिएक्शन को नोट करते जाओ और मैं आपको फर्दर जो इसका मैकेनिज्म है वो भी बताऊंगी। प्रोडक्ट फॉर्मेशन आपको आना चाहिए, बहुत अच्छे से रिएक्शन समझ में आ जाएगी। आसान है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है, नोट करते जाओ बस। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं ओजोनाइड। कब बना बच्चा ये? तब बना जब एल्कीन को हमने रिएक्ट कराया। किसके साथ? ओजोन के साथ। कई बार जब आप एग्जाम में इस रिएक्शन को देखेंगे तो ये DCM वो और -78 डिग्री सेंटीग्रेड नहीं लिखते, डायरेक्ट O3 भी लिखते हैं। ठीक है, पर रिएक्शन दिस इज DCM। DCM मतलब डाइक्लोरोमीथेन। ठीक है भाई, ये ओजोनाइड बन गया, बन गया। अब आपको क्या बताया? आपको कहा मैंने कि ऑक्सीडेटिव भी होता है और रिडक्टिव भी होता है। तो आप कहोगे मैम अभी यहाँ ऑक्सीडेशन रिडक्शन का सवाल कहाँ आया, अभी तो हमने सिर्फ ओजोन डाली। तो बच्चा ये होता है ओजोनोलिसिस में पहला रिएजेंट। इसके बाद हम इसकी रिएक्शन, ये जो ओजोनाइड बना ना, इसकी रिएक्शन करवाते हैं किसके साथ? जिंक के साथ, इन दी प्रेजेंस ऑफ वॉटर। या तो आप, अब आपको क्या करना है? रिडक्टिव ओजोनोलिसिस मतलब इसका रिडक्शन करना है। ये जो बना इसका सेकेंड स्टेप में होता है रिडक्शन। तो ये जो बना इसकी रिएक्शन आपने कराई जिंक और वॉटर के साथ। ठीक है, तो जिंक और वॉटर के साथ जब आप इसकी रिएक्शन कराओगे, या फिर आप ले सकते हो PPH3, ट्राइफिनाइल फॉस्फीन, या फिर आप ले सकते हो Me2S। ये तीनों के तीनों माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट हैं। कौन से रिड्यूसिंग एजेंट हैं? माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट हैं। तो ये रिडक्टिव ओजोनोलिसिस करते हैं। क्या करते हैं? रिडक्टिव ओजोनोलिसिस करते हैं। दे डू रिडक्टिव ओजोनोलिसिस। माइल्ड है ना, माइल्ड है ना,
तो क्या करते हैं ये, आपको क्या करना है फॉर द फाइनल प्रोडक्ट फॉर्मेशन रिडक्टिव ओजोनोलिसिस में इस डबल बॉन्ड को ब्रेक करो बच्चा, और यहां यहां ओ और ओ लगा दो. क्या बनेगा, जो बने उसे लिख दो. ठीक है, अभी यहां तक देखो समझ आया. मैंने एल्कीन ली, एल्कीन की रिएक्शन कराई ओजोन के साथ डीसीएम में, डाइक्लोरोमीथेन में, -78 डिग्री सेंटीग्रेड पे ओजोनाइड बना. ये स्टेप नंबर वन था. अब इस स्टेप का मैकेनिज्म हम लोग अभी आगे देखेंगे. नेक्स्ट स्टेप में हम लोग इसमें या तो रिड्यूसिंग एजेंट या फिर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालते हैं. अगर माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट का यूज किया जाता है, जिसका मैकेनिज्म हम आगे देखेंगे, तो क्या होता है, ये जो एल्कीन है इसके डबल बॉन्ड को बीच में से ब्रेक करना है आपको. इन रिड्यूसिंग एजेंट की प्रेजेंस में दोनों तरफ ऑक्सीजन लगा देनी है. ठीक है, अब यहीं पर ये रिएक्शन हम लोग स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट की प्रेजेंस में भी परफॉर्म करा सकते थे. मतलब यहीं पर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड भी ले सकते थे या फिर सोडियम बोरो हाइड्राइड भी ले सकते थे. जो हाइड्राइड रिड्यूसिंग एजेंट है, जो एच माइनस दे रहे हैं, उस केस में क्या होगा, उस केस में बच्चा क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग है तो ये क्या करेंगे, ये आपका ये जो एल्डिहाइड कीटोन बना ना, ये एल्डिहाइड कीटोन बना, इसको फर्दर रिड्यूस कर देते हैं. आगे धीरे धीरे समझ में आ जाएगा. ये जो एल्डिहाइड कीटोन बना, इसको ये फर्दर रिड्यूस कर देते हैं. अब मुझे पता है कि एल्डिहाइड रिडक्शन पे क्या देता है, एल्डिहाइड रिडक्शन पे देता है एल्कोहल. कीटोन क्या देता है, कीटोन भी देता है एल्कोहल. तो यहां पर आपका R C डबल बॉन्ड O था, इस कार्बन पे लग गया H OH एंड R, डैश हटा दो यहां से. ठीक है, प्लस यहां पर R CH 2 OH. इसको ध्यान से देखो, ये मैंने आपको रिडक्टिव ओजोनोलिसिस इन दोनों स्टेप से बताया. पहला, सबसे पहले चाहे कोई भी ओजोनोलिसिस हो, रिडक्टिव हो या ऑक्सीडेटिव हो, ओजोनाइड का फॉर्मेशन तो होता है. तो हमने एल्कीन की रिएक्शन जब ओजोन के साथ कराई तब हमें ओजोनाइड मिला. आगे का स्टेप और आगे का जो प्रोडक्ट है वो इस चीज पे डिपेंड करेगा कि आपका रिएजेंट कौन सा है. अगर आप रिडक्शन में माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट ले रहे हो तो उस केस में डबल बॉन्ड को ब्रेक करो, दोनों तरफ ओ और ओ लगा दो. ठीक है, अगर स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट ले रहे हो तो ये जो माइल्ड रिडक्शन के बाद एल्डिहाइड कीटोन बने ना, जो माइल्ड रिडक्शन के बाद एल्डिहाइड कीटोन बने, इनको फर्दर रिड्यूस कर दो. अब भाई एल्डिहाइड रिडक्शन पे एल्कोहल देगा और एल्कीटोन भी एल्कोहल देगा. जो भी इनके एल्कोहल बनेंगे वो आपको लिखने हैं. बताओ यहां तक क्लियर. ये हमने बात करी अब तक रिडक्टिव ओजोनोलिसिस की. किसकी बात करी हमने, बात करी बच्चा रिडक्टिव ओजोनोलिसिस की. एक में हमने स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट लिया, एक में माइल्ड लिया. अब मुझे बताओ कि क्या मैं इसी रिएक्शन को ऐसे नहीं लिख सकती, ये मेरी एल्कीन थी. ध्यान से, मतलब बिल्कुल पूरा ध्यान यहाँ होना चाहिए. ठीक है, बहुत आसान रिएक्शन है, आ जाएगी समझ में. पहले स्टेप में क्या किया हमने, पहले स्टेप में हमने इसकी रिएक्शन कराई O3 के साथ, जैसा आपको बताया. हो सकता है DCM लिखा हो सकता है ना भी लिखा हो. CH2Cl2 -78 डिग्री सेंटीग्रेड. सेकेंड स्टेप में अब हमने क्या किया, सेकेंड स्टेप में बच्चा हमने जिंक और वाटर लिया या फिर PPH3
या फिर Me2S, तो इन केसेस में क्या करना है, डबल बॉन्ड को ब्रेक करना है, दोनों तरफ ऑक्सीजन लगानी है, डबल बॉन्ड को ब्रेक करना है और दोनों तरफ ऑक्सीजन लगा देनी है। ठीक है, क्लियर है यहां तक? और अगर यहां पर एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट दे रखा हो, इसी सेकेंड स्टेप में अगर इसकी बजाय स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता, यहां पर जिंक वाटर की बजाय लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड होता, तो एल्डिहाइड कीटोन को फर्दर रिड्यूस करते अल्कोहल में। दिस इज योर रिडक्टिव ओजोनोलिसिस। अब आते हैं, अगर यही ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस होता, बच्चा जब ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस होता है तो पहला स्टेप तो आपका सेम रहता है, ये जो फॉर्मेशन है ओजोनाइड की ये सेम रहती है। ठीक है, ये तो बना रिडक्टिव में भी और ऑक्सीडेटिव में भी। सेकेंड स्टेप में अगर आप इसकी रिएक्शन H2O2 के साथ कराएं और वाटर के साथ कराएं, मतलब जिंक नहीं लिया आपने, आपने जिंक नहीं लिया, परोक्साइड क्या होते हैं, परोक्साइड परोक्साइड पर एसिड क्या होते हैं, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। क्या करेंगे, ऑक्सीडाइज करेंगे, कर देंगे ऑक्सीडाइज किसको, ये जो एल्डिहाइड कीटोन डबल बॉन्ड ब्रेक करने के बाद आपको मिला था, इसी को फर्दर ऑक्सीडाइज कर दिया, तो क्या बना आर। इसी पे ध्यान दो, रिएक्टेंट पे ध्यान दो, आर सी कीटोन को ऑक्सीडाइज नहीं करते क्योंकि माइल्ड होते हैं ना, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, इसलिए दे डज नॉट फर्दर ऑक्सीडाइजेस ऑक्सीडाइजेस कीटोन, बट ऑक्सीडाइज एल्डिहाइड टू कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, क्लियर यहां तक देखो, समझ आया? इस रिएक्शन को अब मैं आपको एक स्टेप में लिख के दिखाती हूँ, ठीक है, फिर मैकेनिज्म करेंगे, इसे नोट करो फिर आगे बढ़ते हैं। चलो, तो मैंने आपको जो रिडक्टिव ओजोनोलिसिस बताया, इसे अगर बच्चा मैं एक स्टेप में लिखूं तो क्या कहेंगे, हम ये कहेंगे कि मेरी ये एल्कीन थी, इसकी रिएक्शन हमने कराई ओजोन के साथ, ठीक है, और फर्दर हमने जिंक के साथ प्लस वाटर और Me2S, PPH3, इनमें से कुछ भी ले सकते हैं, सारे नहीं लेने, हाँ, CH2Cl2 -78 डिग्री सेंटीग्रेड, तो बच्चा क्या मिला, ये तो मेरा ओजोनाइड का फॉर्मेशन था और ये सेकेंड स्टेप में रिडक्शन कर दिया, ओजोनाइड का रिडक्शन कर दिया, क्या बना, डबल बॉन्ड को मैंने ब्रेक किया और दोनों तरफ उसके क्या लगा दिया, ओ लगा दिया। बताओ ये प्रोडक्ट सही है, दिस वॉज रिडक्टिव ओजोनोलिसिस। अच्छा ये याद रखना, अगर सिर्फ फर्स्ट रिएक्टेंट दे रखा है, सॉरी फर्स्ट रिएजेंट दे रखा है, सेकेंड नहीं दे रखा, उस केस में रिएक्शन ओजोनाइड की फॉर्मेशन पे ही स्टॉप करनी है, इधर स्टॉप करनी है बच्चा, ठीक है, सेकेंड आगे नहीं जाना, ये क्या है, ये सेकेंड स्टेप है, ठीक है, इसको ध्यान रखना। ये तो था रिडक्टिव ओजोनोलिसिस। अब आते हैं ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस पे, ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस। तो ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस में क्या होगा,
यही एल्कीन ले, पहला स्टेप दोनों में सेम होगा, ओ थ्री सी एच टू सी एल टू। सेकेंड स्टेप में क्या बताया आपको, सेकेंड स्टेप में भाई हमें बताया था या तो परोक्साइड लेंगे या फिर वाटर के साथ जिंक नहीं लेंगे या कोई और पैरासिड लेंगे, तो ऐसे केस में कीटोन तो ऑक्सीडाइज नहीं होते। पहले तो ये डबल बॉन्ड ब्रेक करके यही बनाना है आपको, समझ रहे हो, ये तो बनाना ही है, पर जो कीटोन वाला है उसको फर्दर ऑक्सीडाइज नहीं करना, एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज कर देना है, एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज कर देना है। सेकेंड स्टेप में हमने H2O लिया या हाइड्रोजन परऑक्साइड लिया या फिर कोई पैरासिड लिया। इस केस में कीटोन तो आपका ऐसे ही रहेगा, पहला प्रोडक्ट रिडक्टिव वाला ही बनाओ इसमें भी, उसके बाद फर्दर उसको ऑक्सीडाइज करो। यहाँ पे ये बना, ये RCOOH, बताओ क्लियर यहाँ तक, ये हमारी ये रिएक्शन वन स्टेप में हो गई। तो अब देखते हैं इस रिएक्शन का मैकेनिज्म, इसे नोट करो फिर आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं मैकेनिज्म पे, मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन। मैकेनिज्म में क्या है मेरा बच्चा, पहला स्टेप है हमारा फॉर्मेशन ऑफ ओजोनाइड। किसका फॉर्मेशन होता है, ओजोनाइड का, चाहे रिडक्टिव हो या फिर ऑक्सीडेटिव हो। तो फॉर्मेशन ऑफ ओजोनाइड, ये एल्कीन है, ये एल्कीन है, यहाँ पे कोई भी ग्रुप अटैच हो सकते हैं। किसके साथ रिएक्शन करा रहे हो भाई, ओ थ्री के साथ करा रहे हैं। किसकी प्रेजेंस में, सी एच टू सी एल टू, सी एच टू सी एल टू माइनस 78 डिग्री सेंटीग्रेड। बच्चा ओ थ्री का स्ट्रक्चर पता है आपको, ओ थ्री का स्ट्रक्चर ये होता है, दिस इज माइनस, दिस हैज लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, दिस हैज पॉजिटिव चार्ज। इस रिएक्शन में ध्यान देना, इस रिएक्शन में साइक्लो एडिशन होता है। साइक्लो एडिशन मतलब देखो, ये यहां आया, ये नेगेटिव चार्ज यहां पर आया, इस पाई बॉन्ड ने अटैक कर दिया इस पे, और इस नेगेटिव चार्ज पे अटैक कर दिया इसने। इस स्टेप को साइक्लो एडिशन कहते हैं, वैसे समझना चाहो तो ऐसे देख सकते हो, देखो इस पे पॉजिटिव चार्ज है ऑक्सीजन पे, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज, मतलब इसको बहुत बड़ा दुख है जिंदगी में। तो क्या होगा, इस ऑक्सीजन के पास नेगेटिव चार्ज है, ये ऑक्सीजन कहेगी मैं इसका जो पॉजिटिव चार्ज है इसको खत्म करूंगा। कैसे, इसको यहाँ पर देखिए, इस चार्ज को यहाँ पर, ये चार्ज यहाँ आया, ये पाई इलेक्ट्रॉन ने यहाँ पे अटैक कर दिया, इसने यहाँ बॉन्ड बनाया, इसने ये किया, जो यहाँ बना उसको लिख दो। अब ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है इन्होंने अटैक कर दिया इस पे, इस वाले ऑक्सीजन पे और इस वाले ऑक्सीजन पे, अब ये नहीं लिखना, तो यहाँ पे ये बना। क्या ये ओजोनाइड है, नहीं, दिस इज मोलोजोनाइड, दिस इज वेरी वेरी अनस्टेबल। तीन तीन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट एक दूसरे के पास हैं, तीन तीन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट एक दूसरे के पास हैं, दिस इज वेरी वेरी अनस्टेबल। अनस्टेबल है तो क्या होगा, ब्रेक होंगे, ब्रेक कैसे होते हैं बच्चा, ये बॉन्ड जाता है यहां पर, ये इलेक्ट्रॉन जाता है, यहां तक समझ में आया, मोलोजोनाइड की फॉर्मेशन समझ में आई। ये इलेक्ट्रॉन अब बच्चा आते हैं यहां पे,
ये बॉन्ड आता है यहां पे, और ये वाले जो बॉन्ड है ये यहां पर शिफ्ट कर जाता है, ऐसे होता है। ठीक है, मॉलिक्यूल क्या है कि जो आपका जो बॉन्ड है, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन का बॉन्ड क्लीव करना है, तो ऑक्सीजन और ऑक्सीजन का बॉन्ड क्लीव होगा, तो ये बॉन्ड आपका क्लीव हुआ। जब ये बॉन्ड क्लीव हुआ, इस पे नेगेटिव चार्ज आया और ये चला गया यहां पर, जब ये यहां गया, कार्बन के पांच बॉन्ड हो गए, ये बॉन्ड यहां शिफ्ट हो गया, तो क्या बना आपका जो यहां पर बना, उसे यहां लिख दो, डबल बॉन्ड ओ ओ माइनस, एंड यहां पर सी डबल बॉन्ड ओ, यही बना। देखो सब ठीक है, ऑक्सीजन के ऊपर बस पॉजिटिव चार्ज लगा दो। अब ये जो कार्बोनिल है, इसको बच्चा क्या होता है, या तो ये वाली स्पीशीज, या ये जो फ्रेगमेंट्स बने हैं उनमें से एक फ्रेगमेंट फ्लिप करता है, तो ये वाला फ्रेगमेंट आपको फ्लिप कराना है। ओ डबल बॉन्ड सी, ये बन गया, हो गया फ्रेगमेंट फ्लिप हो गया। अब क्या होगा, अब भाई वही नेगेटिव चार्ज यहां आएगा इस पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए, और यहां से ये जो डबल बॉन्ड है ये इस पे अटैक करेगा, ये कार्बन इस पे अटैक करेगा, जो बने उसको लिख दो, जो बने उसको लिख दो। अरे सॉरी बेटा, कार्बन ऑक्सीजन सही कर रहे हैं हम? बिल्कुल सही कर रहे हैं, यहां पर आ गया ओ और ओ। ठीक है भाई, यहां तक देखो, इसको बोलते हैं, यस इसको बोलते हैं ओजोनाइड। यही तो बनाना था पहले स्टेप में, यही तो बनाना था पहले स्टेप में, तो ओजोनाइड का फॉर्मेशन हो गया। अब इसमें देखेंगे हम लोग रिस्पेक्टिव रिडक्टिव ओजोनोलिसिस और ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस। ठीक है, चलो इसे नोट करो, मैं दोबारा थोड़ा एक्सप्लेन कर देती हूँ। ये एल्कीन है, एल्कीन के पास पाई बॉन्ड है, ओजोन का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, नेगेटिव चार्ज आएगा यहाँ पर और ये पाई बॉन्ड अटैक कर देंगे इस कार्बन पे, ये बन जाएगा, ये मोलोजोनाइड होता है, ये बहुत अनस्टेबल होता है क्योंकि तीन ऑक्सीजन एक दूसरे के पास पास है। अब ये बॉन्ड ब्रेक होता है, ये आपका जो बॉन्ड है ये ब्रेक होता है ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच का, क्यों, क्योंकि ये अनस्टेबल है, ये जाएगा यहाँ पर, ये इलेक्ट्रॉन आएंगे यहाँ पर। ठीक है, इस कार्बन के पांच बॉन्ड हो गए, इसके इलेक्ट्रॉन इधर चले गए, तो जो बना उसको आपने इधर लिख दिया। देन फर्दर जो आपका प्रोडक्ट था, देखो यहाँ पे सी ऊपर है और ओ नीचे है, आपने उसको फ्लिप करके लिख दिया, ओ ऊपर पहुंचा दिया सी नीचे, मॉलिक्यूल है ना, उसको पता है अगर मैं ओ को नीचे रख के दोबारा से एडिशन करूंगा तो फिर से वही प्रोडक्ट बनेगा। तो ये रीअरेंजमेंट, फ्रेगमेंटेशन हुआ टूटे टुकड़ों में, और उसके बाद रीअरेंज होके दोबारा से जुड़ गए, और किसका फॉर्मेशन हुआ, ओजोनाइट का। ठीक है, चलो अब बढ़ते हैं हम लोग रिडक्टिव ओजोनोलिसिस पे, इसके बाद इसकी फर्दर रिएक्शन किसके साथ, इसकी रिएक्शन जिंक और वाटर के साथ, रिड्यूसिंग एजेंट के साथ। तो हमारा ये बना, देखो आपको प्रोडक्ट फॉर्मेशन आना चाहिए, ठीक है, कैसे बना वो मैंने आपको बता दिया। तो ये हमारा क्या बना, दिस वाज ओजोनाइट, ये ओजोनाइट था बच्चा। अगर जिंक और वाटर लोगे, या फिर मान लो आपने Me2S लिया, तो Me2S का ये जो सल्फर है ये क्या होता है, अब यहाँ पे बच्चा ये जो बॉन्ड है आपका, ध्यान से देखना, ये जो बॉन्ड है ये यहाँ आएगा, ये कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड ब्रेक होकर यहाँ जाएगा,
ऑक्सीजन ऑक्सीजन का बॉन्ड है ना, ये ब्रेक होगा फिर से, ये यहां आया, ये यहां गए और ये यहां आ गया, ठीक है। ऐसे भी नहीं समझ में आता तो इसको ऐसे करो, इसको यहां से ऐसे ब्रेक करो, यहां से ऐसे ब्रेक करो, और कार्बोनिल कार्बोनिल बना दो, तो ये बना दिया हमने, ठीक है, बन गया। अब ये जो ऑक्सीजन बचा, इसको Me2S का सल्फर लेके चला जाता है, तो क्या बनेगा, SOMe2। अगर Me2S ले रहे हो तो साइड में ये इस ऑक्सीजन को, नेसेंट ऑक्सीजन जो बचा उसको लेके चला गया, क्या बनेगा, Me2S डबल बॉन्ड। जिंक और वाटर में से जो वाटर है वो इस ऑक्सीजन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेता है, क्या बना लेगा, H2O2। वाटर क्या बना लेगा, H2O2। पर H2O2 जिंक के साथ रिएक्ट करके फिर से जिंक प्लस वाटर बना लेता है, जिंक ऑक्साइड प्लस वाटर। तो ओवरऑल आपका जो ऑक्सीजन है वो किसके साथ चला जाता है, जिंक के साथ, ठीक है। अगर यहां पे हम जिंक नहीं लेते तो क्या होता, यहां जिंक नहीं लेते तो ये जो ऑक्सीजन H2O2 बना है, ये फर्दर ये जो प्रोडक्ट हमारे बने हैं, इनको ऑक्सीडाइज कर देता, इनको ऑक्सीडाइज कर देता, ठीक है। या फिर हम लोग क्या यूज कर सकते हैं रिडक्टिव ओजोनोलिसिस के लिए, हम यूज कर सकते हैं PPH3 ट्राइफिनाइल फॉस्फीन, ये भी इस नेसेंट ऑक्सीजन को लेके चला जाएगा। देखो ये बॉन्ड ध्यान से समझो, ये बॉन्ड यहां शिफ्ट हुआ, ये बॉन्ड इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहां गए, ये बॉन्ड यहां आया। अब ये जो ऑक्सीजन बच गया अकेला, इन दोनों ने तो मिलके क्या बना लिया, कार्बोनिल बना लिया। अब जो ऑक्सीजन बच गया उसने उसने आपका ये जो PPH3 है या Me2S का सल्फर है, इनके साथ कंबाइन होके एक स्टेबल कंपाउंड बना लिया, ठीक है। इसको बोलते हैं डाइमिथाइल सल्फोक्साइड। क्या बना यहाँ पे, PPH3 लोगे तो ये क्या बनाएगा, पी डबल बॉन्ड हो PPH3। ठीक है भाई, क्लियर है यहां तक, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ये आपका ओजोनाइट था, इसमें अगर बच्चा हम लोग PPH3 डालेंगे तो क्या बनाएगा, फर्दर सेम, इसको यहां से और यहां से ब्रेक करो, इसको कन्वर्ट करो कार्बोनिल में, इसको कन्वर्ट करो कार्बोनिल में, ठीक है। डायरेक्ट प्रोडक्ट फॉर्मेशन भी हम लोग देखेंगे, तो PPH3 के साथ क्या होगा, देखो प्रोडक्ट तो वही बनेगा, सी डबल बॉन्ड ओ प्लस PPH3 पी डबल बॉन्ड ओ, जो नेसेंट ऑक्सीजन बचा उसको PPH3 लेके चला गया। सेकेंड इसी की रिएक्शन आप करा सकते हो जिंक प्लस वाटर के साथ, वाटर इस नेसेंट ऑक्सीजन को एब्स्ट्रैक्ट करता है और H2O2 बना लेता है, ये प्रोडक्ट तो ऐसे ही बनेंगे, H2O2 बना लेता है और H2O2 फर्दर जिंक के साथ रिएक्ट करके, देखो जिंक वाटर ने इसका ऑक्सीजन नेसेंट ऑक्सीजन ले लिया, अभी क्या बना H2O2, ये आपस में फिर से रिएक्ट करके इसने ये बना लिया, वरना H2O2 फर्दर इन प्रोडक्ट को ऑक्सीडाइज कर देता, तो जिंक की प्रेजेंस की वजह से ऐसा नहीं होता, क्या बना साइड में, जिंक ऑक्साइड। थर्ड हम लोग किसके साथ करा सकते हैं रिडक्शन, Me2S के साथ, तो यहां पर भी आपके जो साइड प्रोडक्ट बनते हैं वो क्या बनता है, S डबल बॉन्ड ओ Me2। अब
अब हमने कोई स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट नहीं लिया अब तक। अगर स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट लेंगे तब क्या होगा? अगर इधर ही हम लोग लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड लेंगे, हाइड्राइड रिड्यूसिंग एजेंट लेंगे, सोडियम बोरोहाइड्राइड लिया, तो ये जो आपका एल्डिहाइड कीटोन जो भी बना है ये फर्दर से रिड्यूस होकर अल्कोहल बना लेगा। क्या बना लेगा भाई? फर्दर से रिड्यूस होके अल्कोहल बना लेगा। ठीक है, क्लियर भाई यहां तक? चलो, तो ये था हमारा रिडक्टिव ओजोनोलिसिस। अब करते हैं इस पे बेस क्वेश्चंस। ये एल्कीन है, CH3CH, जल्दी से क्वेश्चन लिखते जाओ और सॉल्व करते जाओ। ठीक है, O3 DCM डाइक्लोरोमीथेन -78 डिग्री सेंटीग्रेड, पहला रिएजेंट। दूसरा हमने लिया यहाँ पे जिंक और पानी, लिखो क्या प्रोडक्ट बने। CH3 C CH3, इधर कॉमा डाल दें ऐसे। हाँ, ऊपर वाला ही रिएजेंट है थर्ड। CH3 दो बॉन्ड, चलो एक ही ले लो। देन CH3 यहाँ पे हमने Me2S ले लिया। ठीक है, O3, O3 मतलब वही है, DCM -78, डबल बॉन्ड CH CH2 CH3 O3, एंड यहाँ पर लिया PPH3 पहला, दूसरा। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन लिखो बच्चा। अच्छा, यहीं पर अगर हम लोग लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ इसकी रिएक्शन कराते तो क्या होता? उसका प्रोडक्ट भी लिखो। ठीक है, फोर्थ लिखो। अगर दो डबल बॉन्ड होंगे तो क्या करोगे? ठीक है, बेंजीन का ओजोनोलिसिस का प्रोडक्ट क्या होगा? रिडक्टिव ओजोनोलिसिस का प्रोडक्ट क्या होगा? अब ओजोनोलिसिस अगर कोई बोल रहा है कि ओजोनोलिसिस का प्रोडक्ट बताओ, तो आपका सवाल होना चाहिए रिडक्टिव या फिर ऑक्सीडेटिव। ठीक है, चलो, पहला डबल बॉन्ड को ब्रेक करना है, इस तरफ ऑक्सीजन और इस तरफ ऑक्सीजन, क्या बन गया? डबल बॉन्ड ब्रेक करो, दोनों तरफ ऑक्सीजन लगा दो, यहाँ क्या बनेगा? वही जिंक ऑक्साइड बनेगा, जिंक नेसेंट ऑक्सीजन को लेके चला जाएगा। CH3CHO, बताओ भाई, क्लियर है? Me2S डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड को ब्रेक करना है, दोनों तरफ ऑक्सीजन लगानी है। CH3C CH3 डबल बॉन्ड हो प्लस CH3CH2CHO, PPH3 लिया तो क्या हो गया? नेसेंट ऑक्सीजन को लेके चला जाएगा, पी डबल बॉन्ड ओ PH3। अगर यहाँ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट लेते तो क्या करता, जैसे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड? तो बच्चा वो ये जो आपका कीटोन बना है उसको फर्दर अल्कोहल में रिड्यूस करता। क्या बनेगा? CH CH
CH3OH. इसका भी बनाओ एल्कोहल. पहले तो एल्डिहाइड की टोन बना दो, पहले डबल बॉन्ड को ब्रेक करके दोनों तरफ ऑक्सीजन लगाकर एल्डिहाइड कीटोन बना दो, उसके बाद फर्दर देखो, देखना है आपको कि क्या होगा. ठीक है, डबल बॉन्ड ब्रेक करो, जिंक वाटर है, दोनों तरफ ऑक्सीजन लगा दो, जिंक ऑक्साइड बनेगा CH3CO CH3 + CHO CHO. ये देखो ना, यहाँ पे डबल बॉन्ड CH2 कैसे आ गया, CH आएगा, देन यहाँ पे CH3CHO. इसको क्या बोलते हैं, इसको बच्चा बोलते हैं ग्लायोक्सल. ये काफी इंपॉर्टेंट कंपाउंड है. अब फिफ्थ क्वेश्चन, हमने स्टाइरीन में ये अगर रिएक्शन कराई, O3 हमने सिर्फ एक इक्विवेलेंट लिया, मतलब एक ही डबल बॉन्ड पे अटैक करेगा. ठीक है, अगर तीन डबल बॉन्ड है और अगर O3 लिखा हो, इसका मतलब तीन मोल ऑफ ओजोन चाहिए आपको. लेकिन यहाँ कितना गिवन है, एक इक्विवेलेंट. तो बेंजीन का डबल बॉन्ड तो ब्रेक होगा नहीं एरोमेटिसिटी की वजह से, कौन सा होगा, ये वाला होगा. डबल बॉन्ड ब्रेक करो, आसान है. अगेन यहां पर भी डबल बॉन्ड ब्रेक करना है बच्चा, दोनों तरफ ऑक्सीजन लगा देना है. CH CHO, तो मतलब क्या बनेगा, तीन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लायोक्सल. बताया था कि ये काफी इंपॉर्टेंट है. ठीक है, चल अब आगे बढ़ें. इनके प्रोडक्ट लिखो. पहली रिएक्शन आप करा रहे हो O3 के साथ DCM -78 डिग्री सेंटीग्रेड. ठीक है, सेकंड आपने डाला जिंक प्लस वाटर या फिर Me2S या फिर बच्चा आपने डाला PPH3. इसी में सेकंड इसकी रिएक्शन आपने CH2Cl2 -78 डिग्री सेंटीग्रेड, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड लिया या फिर सोडियम बोरोहाइड्राइड लिया. आपको बताना है क्या प्रोडक्ट बनेगा. तो भाई यहां पर डबल बॉन्ड को ब्रेक करना है, दोनों तरफ ऑक्सीजन लगाना है. ठीक है, क्या बना, तो यहां पर जब करोगे इस कार्बन के साथ ऑक्सीजन, तो डबल बॉन्ड हो CHO और यहाँ पे इन दोनों कार्बन को देखो, इस कार्बन पे भी CHO, इस पे भी CHO. देन यहाँ पे एक ही कार्बन बचा लास्ट वाला, उसके साथ क्या आ गया, डबल बॉन्ड HCHO. अब सेकंड उसने ये पूछा कि यही अगर मैं रिड्यूसिंग एजेंट लेता जैसे कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या सोडियम बोरोहाइड्राइड, तो उस केस में क्या होता. तो अच्छा, उस केस में आपके जो एल्डिहाइड कीटोन बने हैं ये फर्दर रिड्यूस होके अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाते, इनको बनाकर दोबारा अल्कोहल में कन्वर्ट करना है, तो इसका अल्कोहल बनाओ MeCMeHOH देन प्लस CH2OH, इसका अल्कोहल बनाओ. हाँ भाई, आया समझ में. ये था आपका रिडक्टिव ओजोनोलिसिस. अब आते हैं ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस.
क्लियर यहां तक? चलो, ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस, ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस पहला रिएजेंट तो हमारा सेम होता है ओजोनोलिसिस में, पहले तो ओजोन से ही रिएक्शन कराते हैं, ओ थ्री के साथ डाइक्लोरोमीथेन -78 डिग्री सेंटीग्रेड, ओ थ्री ही लिखा मिलेगा, ठीक है। एच टू ओ लेते हैं ऑक्सीडेशन के लिए, या फिर एच टू ओ टू लेते हैं, या फिर पर एसिड। क्या बताया था हमने आपको? बताया था कि ये ऑक्सीडाइज नहीं करते कीटोन को, पर एल्डिहाइड को कार्बोक्सिलिक एसिड में ऑक्सीडाइज कर देते हैं। मतलब आपको एल्कीन से पहले एल्डिहाइड बनाना है, कीटोन बनाना है, फर्दर अगर जो एल्डिहाइड है उसको ऑक्सीडेशन कराना है कार्बोक्सिलिक एसिड में, और कीटोन का ऑक्सीडेशन नहीं कराना। यहाँ पे डबल बॉन्ड को ब्रेक करो, दोनों तरफ ऑक्सीजन लगाओ, ये तो कीटोन है, ऐसे चुपके से साइड्स में लिख के देख लिया एमी सी ओ एच, और इसको कहा कि अरे ये तो एल्डिहाइड है, हम तो यूज कर रहे हैं पर एसिड या वाटर जिंक की एब्सेंस में यूज कर रहे हैं, तो जो एच टू ओ टू बनेगा वो फर्दर इसको ऑक्सीडाइज कर देगा, ठीक है। क्लियर यहां तक? अगर आपका ओजोनोलिसिस में कहीं ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस हो और फॉर्मल्डिहाइड बने, तो फर्दर उसको ऑक्सीडाइज तो करना ही है, फर्दर उसको ऑक्सीडाइज तो करना ही है, ऊपर वाले रिएजेंट ही है। लेकिन अगर वो फॉर्मल्डिहाइड है तो फॉर्मिक एसिड में कन्वर्ट होगा, बच्चा डबल बॉन्ड ब्रेक करो, दोनों तरफ ओ ओ लगा दो, लगा दिया, अब ऑक्सीडेशन कर रहे हो, कीटोन है इसका तो होगा नहीं, इसका फर्दर ऑक्सीडेशन आपको करना है, तो ये ऑक्सीडेशन पे फॉर्मिक एसिड देता है, तो यहां लिखो फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड की फर्दर टेंडेंसी होती है ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में ऑक्सीडाइज हो जाता है, मतलब ये दोबारा ऑक्सीडाइज हो जाता है, और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। तो अब देखते हैं हम लोग रिवर्स ओजोनोलिसिस और ओजोनोलिसिस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस।